हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनाक्षीज क्रिएटिव कॉर्नर। और आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हों और स्वस्थ हों, हष्ट पुष्ट हों। और प्लीज़ सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए पूरी तरीके से, क्योंकि जैसा आजकल माहौल है उसको देखते हुए हम सभी को अपना अपना ख्याल रखना है और अपनी फैमिली का भी। तो चलिए चलते हैं आज के DIY की तरफ। और जो सभी मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़, आपने अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। और मेरे चैनल को प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, आपके एक लाइक से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़। तो चलिए चलते हैं अपने DIY की तरफ। देखिए, इसके लिए सिंपल मैंने एक रूप लिया है और इसको मैंने ओपन कर लिया है, और इस ताकि इसमें जो हम मेरा वेवी लुक इसमें वॉल हैंगिंग में आया है वो हम इसमें ओपन करके रस्सी से ही बनाएंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बोहो वॉल हैंगिंग, जो कि बिल्कुल इजी है। और जैसा आजकल माहौल है उसको देखते हुए बाहर ना जाके जो मेरे पास सामान अवेलेबल था उसी से मैंने ये अपना DIY कम्प्लीट किया है। तो सिंपल मैंने देखिए इसको ओपन करके रस्सी को और बराबर भागों में मैंने इनके पीसेस कर लिए हैं। और अब हमें क्या करना है, हमने ये डांडिया स्टिक ली है जो कि मेरे पास पहले से अवेलेबल रखी थी। तो इसी से देखिए मैंने एक ये रिंग टाइप का बना के और इसी के ऊपर से ये मैंने रस्सी को निकाल दिया है। देखिए इसी तरीके से मैंने इस दूसरा आपको बताया, देखिए इसमें जो है मैंने नीचे रखा और इसके बाद में इसको जो है सिंपल हमने इस तरीके से निकाल लेना है, ये देखिए, ताकि इसमें एक नॉट टाइप की लगती जाएगी। और ये हमारा नॉट इसी तरीके से हमें पूरे अपनी स्टिक पे लगाते चले जाना है। देखिए फिर से देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये एक रिंग टाइप बनाया और इसके एंड को, इस रस्सी के एंड को इसमें से मैंने निकाल लेना है। देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से हमने निकाल लिया। और ये सिंपल सी एक नॉट है, बहुत कोई टफ नहीं है, सभी आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने ये पूरा जो है ये कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से सिंपल एक नॉट लगा के ये मैंने पूरी स्टिक में इस तरीके से रस्सी को पूरा बना लिया। अब देखिए हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमने जितने भी एक्स्ट्रा इसमें से है देख लेना, हमें नीचे से जो एक्स्ट्रा आ रहा है रस्सी, उस रोप को हमें एक्स्ट्रा को कट कर देना है ताकि बिल्कुल एकदम बराबर हो जाए। आप चाहे तो कोई और भी शेप दे सकते हैं नीचे से, और मैंने सिंपल उसको स्ट्रेट कट किया। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमने इसमें जो है अब हम इसको डेकोरेट करने के लिए ऊपर से मैंने कुछ ये लेफ़्ट ओवर ऊन के पीसेस थे तो इसको मैंने क्या किया है देखिए इस तरीके से। तो अब देखिए मैंने क्या किया है, बराबर पीसेस में कुछ मैंने ये ऊन के ले लिए हैं और ये 6 पीसेस मैंने लिए हैं। देखिए अब क्या करना है, देखिए हम इसको जो है ऊपर एक अच्छी सी नॉट लगा लेंगे, और नॉट लगा के मैंने इसको मास्किंग टेप से सिक्योर कर दिया। आप चाहे तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, बट मैंने इसको मास्किंग टेप से ऐसे सिक्योर करके और फिर एक चोटी की तरीके से हमें इसको बना लेना है। देखिए लेफ्ट ऊपर और फिर एक बार राइट ऊपर, इस तरीके से देखिए हमें करते चले जाना है और हमें ये पूरी फिनिश इस तरीके से पूरी एक चोटी की तरह बना लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी चोटी बन गई है बिल्कुल। अब देखिए हमें क्या करना है, मैंने 5-5 सेंटीमीटर के कुछ ये और ऊन के टुकड़े पीसेस लिए हुए हैं और इनको हमने 3-3 के ग्रुप में बनाया है, जैसे 3-3 थ्रेड में लेके हमने एक एक ग्रुप बनाया है। और इस तरीके से देखिए मैंने क्या किया, एक रिंग को मैंने लेके, जिस एक रिंग में मेरे 3 थ्रेड्स हैं तो एक रिंग को मैंने इस तरह से नीचे रख दिया चोटी के ओम थ्रेड के ऊपर, और फिर दूसरा रिंग मैंने लिया इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, और इसको मैंने, इस रिंग को मैंने इस तरीके से लिया है देखिए, और इस नीचे वाले जो रिंग को मैंने इसके एंड को उसके ऊपर से निकाल दिया देखिए फ्रेंड्स, और इसके एंड को हमने नीचे वाले रिंग से इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स निकाल के और नॉट लगा दी। ये सिंपल है, बिल्कुल इजी है, कोई टफ नहीं है, और आप ये बिल्कुल बना सकते हैं, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमें बनाना है। ये देखिए हमने एक ये रिंग लिया, उसके एंड को हमने उस रिंग से बाहर निकाला
और इसके एंड को हमने नीचे वाले रिंग से बाहर निकाल दिया, ये देखिए, और फिर एक नॉट अच्छे से लगा दिया। इस तरीके से हमें ये अपना पूरा कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, हमें इस तरह से बनाते चले जाना है इस तरीके से, और ये बिल्कुल ईजी है और बिल्कुल टफ भी नहीं है और जल्दी बन जाने वाला ये DIY है। तो देखिए, हमें इस तरीके से पूरा ये कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, इसको एक शेप दे देना है। मैंने लीव का शेप दिया है, और आप चाहें तो जैसा चाहें आप वैसा शेप दे सकते हैं। आप चाहें तो एरो का शेप दे सकते हैं या फिर एकदम स्ट्रेट दे सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, मैंने इसको एक लीव का शेप दे के, और अब हमें क्या करना है, इनको जो है इसमें अरेंज करना है, इन स्टिक्स में। तो देखिए, अब देखिए मैंने इसको इस तरीके से अरेंज कर लिया है, और इस तरीके से देखिए मैंने एक येलो लीव बनाई है और दो मैंने ब्लैक लीव बनाई है, जो कि मैंने एक लेफ्ट और राइट में रखा है और मिड में मैंने येलो में रखा है। तो इस तरीके से इसमें और ये इन्हांस करे, इस वजह से मैंने येलो को यूज़ किया है। तो इस तरीके से मैंने देखिए इसको जो है थ्रेड अच्छे से नॉट लगा दिया। और अब देखिए फ्रेंड, मेरा ये बोहो वॉल हैंगिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गया है और एकदम इजी है। और आप मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लग रहा है मेरा ये DIY। और प्लीज़ फ्रेंड, एक लाइक कर दीजिए, लाइक बिल्कुल फ्री है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल विद बेल बटन, ताकि मेरे वीडियो के आपको नोटिफिकेशन आराम से मिल सके और आप मेरे वीडियो देख सके। तो फ्रेंड्स, इसे एकदम लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए, अगर शेयर ना किया हो तो बताइएगा मुझे ये कैसा लगा आपको बोहो वॉल हैंगिंग। और ये बहुत सिंपल है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं, मैंने इसमें बाहर से कुछ भी नहीं लगाया है। जो मेरे पास अवेलेबल था उससे मैंने ये अपना DIY कंप्लीट किया है। तो उम्मीद करती हूँ ये आज का DIY आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। बताइएगा मुझे कमेंट के थ्रू कि आपको कैसा लगा मेरा ये DIY। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करा करिए और लाइक ज़रूर करा करिए। अगर आप देखते हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, बताइएगा मुझे आपको ये कैसा लगा DIY। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स।